एम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आजकल हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा सातवीं की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 25वां पाठ मंत्रणा। तो हम बता चुके थे आपको पिछली बार कि किस प्रकार से विराट नगर में कौरवों की सेना को विराट नगर के साथ युद्ध करते हुए पांडवों ने हरा दिया था। अब उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका। 13वां वर्ष पूर्ण होने के बाद पांडव विराट की राजधानी छोड़कर उपलव्य नगर में रहने लगे और उन्होंने कहा कि आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने संबंधियों को बुलवा भेजा। बलराम, सुभद्रा, अभिमन्यु और कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य नगर आ गए। 2 अक्षोहिणी सेना सहित काशीराज और वीर शैव्य और 3 अक्षोहिणी सेना सहित पांचाल राज द्रुपद भी वहां पहुंच चुके थे। तब क्या हुआ, उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे और कितने ही राजा अपनी अपनी सेना के साथ पांडवों की सहायता करने के लिए आ पहुंचे। सबसे पहले अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया गया, उत्तरा जो विराट नगर की राजकुमारी थी। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा अपने अपने आसन पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने सभी के सामने पांडवों के अधिकार की बात कही। उन्होंने दुर्योधन को समझाने के लिए एक दूत भेजने का प्रस्ताव रखा। सबने इस बात का समर्थन किया। बलराम बोले, कृष्ण की सलाह बिल्कुल न्यायोचित है, यानी बिल्कुल सही है, न्याय के तरीके, न्याय के हिसाब से उचित है, सही है। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही पांडव अपना राज्य प्राप्त कर ले तो उसमें उससे न केवल पांडवों की बल्कि दुर्योधन और सारी प्रजा की भी भलाई होगी। क्यों? क्योंकि युद्ध में सेना जिनका कोई कसूर नहीं होता उनके पूरे पूरे परिवार भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बलराम जुआ खेलने में युधिष्ठिर को दोषी मानते थे। वो कहते थे, देखो तुमने जुआ खेला, चाहे उसने कितना भी आपसे क्यों नहीं कहा कि जुआ खेलने बैठो, पर दोष किसका है? युधिष्ठिर का। और दांव पे भी आपने ही लगाया अपना राज्य और पत्नी को। तो इसलिए सात्यकी ने बलराम की इस बात का विरोध किया। सात्यकी के इस विरोध से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। सात्यकी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें युधिष्ठिर की गलती थी, बल्कि दुर्योधन ने जो द्रौपदी को अपमानित किया, जो उनसे राज्य दांव पे लगवाया, इसमें कहीं ना कहीं दुर्योधन की गलती है। तो इस सात्यकी की इस बात से राजा द्रुपद बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मेरी राय में राजा धृतराष्ट्र के पास किसी सुयोग्य दूत को भेजने की जरूरत है। श्री कृष्ण बात को खत्म करने के उद्देश्य से बोले, हम पर कौरव और पांडव दोनों का समान हक है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग तो उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। अब हम वापस चले जाएंगे। राजा द्रुपद, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हो, बुद्धि और आयु में भी हम सबसे बड़े हो, आप ही अपने दूत को समझा बुझाकर दुर्योधन के पास भेज दें। अगर दुर्योधन संधि के लिए तैयार न हो तब हम युद्ध की तैयारी करेंगे और फिर हमें पुनः सूचित किया जाएगा। इतना कहकर श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका अपनी नगरी को लौट गए। इधर युधिष्ठिर युद्ध की तैयारी में जुट गए, दुर्योधन भी युद्ध की तैयारी में लग गया। श्री कृष्ण के पास दुर्योधन स्वयं पहुंचा। उसी समय अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास आ पहुंचे थे। दोनों एक साथ ही श्री कृष्ण के भवन में पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अंदर जाकर दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सिर के पास जाकर बैठ गए और अर्जुन उनके पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की नींद खुली और सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा और उससे उसकी कुशलता जाननी चाहिए। बाद में घूमकर उन्होंने दुर्योधन को देखा और उसका भी कुशलता जानी। इसके बाद उन्होंने दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन पहले ही बोल उठे, हमारा और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, अतः मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। पहले मैं आया हूँ इसलिए मेरा पहला हक है। आप जानते हो दुर्योधन का स्वभाव ऐसा ही था, जिद्दी और घमंडी और हर बाद में जल्दी मचाने वाला। तो उसने श्री कृष्ण से ये सब कह दिया। श्री कृष्ण बोले, राजन भले ही आप पहले आए हैं,
किंतु मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है और आप दोनों मेरे लिए बराबर हो, तो अर्जुन आपसे छोटा भी आता है, पहला हक अर्जुन का है। श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ मुड़कर बोले कि देखो मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं, वे बड़े साहसी और वीर भी हैं, उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है, पर मेरी यह सेना एक तरफ रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा भी है कि युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और ना ही मैं किसी से लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो दुर्योधन कि तुम दोनों में से किसे लेना पसंद करोगे। अर्जुन बोले, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, मैं तो बस आपसे प्रेम करता हूं, आपको चाहता हूं। इस बात से दुर्योधन बड़ा खुश हो गया और वह श्री कृष्ण की लाखों वीरों वाली सेना, भारी भरकम सेना लेकर फूला न समाया। वह खुश होकर बलराम के पास पहुंचा। बलराम ने कहा, देखो मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, तटस्थ मतलब मैं किसी का पक्षपात रहित, मैं बिल्कुल अलग रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण नहीं है वहां मैं रह नहीं सकता और अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, अतः ना मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ना मैं अर्जुन की सहायता करूंगा। दुर्योधन खुशी खुशी हस्तिनापुर लौट गया और वो मन ही मन सोच रहा था कि अर्जुन कितना बड़ा मूर्ख है, इतनी बड़ी सेना की बजाय निशस्त्र और सेना विहीन कृष्ण को उसने चुन लिया है। इधर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, सखा अर्जुन तुम एक बात तो बताओ, तुमने सेना बल की बजाय मुझे निशस्त्र को पसंद क्यों किया? अर्जुन बोले, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर उन्हें कुचल सकते हो। अर्जुन की बातों पर कृष्ण मुस्कुराने लगे, अर्जुन को उन्होंने प्रेम से विदा किया। इस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी उन्होंने स्वीकार की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के मामा थे। वे एक बड़ी सेना लेकर अपने भांजे की सहायता के लिए निकले। जब दुर्योधन ने सुना कि शल्य की सेना बहुत बड़ी है और वो पांडवों की सहायता करने जा रहा है, तो उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि सेना जहां भी डेरा डाले उनको बहुत सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं। शल्य यह सेवा पांडवों की ओर से समझते रहे। शल्य ने सोचा कि मेरी इतनी सेवा जो ये नौकर सेवक कर रहे हैं ये पांडवों की तरफ के लोग हैं। अब जब भेद खुला तो शल्य नैतिक रूप से दुर्योधन का साथ देने के लिए बाध्य हो गए। उनको लगा मैं इतने दिनों से इनकी सेवा ले रहा हूं तो मैं किस प्रकार से मैं इनका साथ ना दूं, तो ये उचित ना होगा। शल्य ने युधिष्ठिर को सब बताया। जब वो फिर युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि दुर्योधन ने धोखा देकर मुझे अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोले, मामा जी मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। तब मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनोगे या अर्जुन की रक्षा करोगे। तो मद्रराज यानी उनके मामा शल्य ने बोला कि मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन जरूर दे बैठा हूं, पर हृदय से तो मैं तुम्हारे ही साथ हूं, इसलिए युद्ध तो मुझे भले ही उनकी ओर से करना पड़े लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर कर्ण मुझे अपना सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। ये इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताना भी चाहती हूँ कि क्या किया था इन्होंने। ये बार बार क्या करते थे, जो शल्य थे मामा इनके, वो कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे और युद्ध भूमि में जब कर्ण ने इनको अपना सारथी बनाया तो वो उसको हमेशा ही कहते थे, अर्जुन के बाणों के सामने तुम्हारी क्या चलेगी, अरे कर्ण तुम तो कैसे भी योद्धा नहीं हो और अर्जुन के सामने तो तुम्हारी कुछ टिक ही नहीं पाएगी। तो ऐसा करते करते वो हतोत्साहित करते थे। तो आप देखिए जो हमारी वाणी है उसके बाण कितने तीखे होते हैं, ठीक है ना। किसी को हतोत्साहित करने से भी आप देखिए उसका जो काम करने का आत्मविश्वास है वो किस प्रकार से डगमगा सकता है। इसी प्रकार यही बात एक अध्यापक पर भी लागू होती है, कभी भी वो अपने विद्यार्थियों को हतोत्साहित ना करे। सेम माता पिता कभी भी अपने बच्चों को हतोत्साहित न करें। क्यों? क्योंकि हतोत्साहित यदि आप कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैंने कह दिया, अरे तुम तो निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे तुम्हारे तो ऐसे ही मार्क्स आते हैं ना। ये बात बच्चे पे इतना गहरा प्रभाव डालती है कि उसका रहा सहा आत्मविश्वास भी टूट जाता है। ये नहीं है कि हर समय 97-98% वाले बच्चों से अपनी तुलना करके उनको हतोत्साहित करें, ठीक है। तो मेरी ओर से ये आप अपने माता पिता को जरूर बताइएगा, ठीक। आगे चलते हैं। उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्र राज शल्य ने दिलासा दी और कहा, जीत उसी की होती है जो धीरज से काम लेते हैं,
कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है और दुष्टता के कारण इस कौरव वंश का नाश अवश्य होगा। तो ये था बच्चों आज की हमारी कहानी मंत्रणा। थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको शब्दार्थ दिखा दूं। सम्मानीय, आदरणीय, हितैषी, भला चाहने वाला, विलंब, देरी, दृढ़तापूर्वक, बलपूर्वक, शयनागार, शयनकक्ष यानी जो जहां पे सोते हैं, नियम, तरीका, असमंजस यानी दुविधा, पार्थ, अर्जुन का ही एक नाम था, तटस्थ मतलब बिल्कुल अलग रहना किसी चीज से, निशस्त्र बिना हथियार के। अब मैं आपको जो प्रश्न बताती हूँ वो सुन लीजिए। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव कहाँ रहने लगे थे? 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव उपलव्य नगर में रहने लगे, जहां पर ये मंत्रणा की गई। अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ था? वीर अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की कन्या उत्तरा से हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन की सहायता के बारे में क्या कहा श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को बताया कि एक तरफ मेरी सेना होगी नारायणी सेना, तो या तो मुझ नारायण को ले लो या मेरी नारायणी सेना को ले लो। तो दुर्योधन क्योंकि वो मूर्ख था, उसने कहा नहीं नहीं मेरे को नारायणी सेना आप दे दीजिए। और अर्जुन ने कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे सेना की जरूरत नहीं, आप तो मेरे लिए पूरी सेना हो, तो आपके साथ मैं, आप ही मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से उन दोनों ने अपने अपने उससे विवेक से कृष्ण को चुन लिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, 25वां पाठ मंत्रणा। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।